कुरुमंत्रा एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मेरे प्यारे बच्चों आपका स्वागत है। जैसा कि पहला वीडियो आपने देख ही चुके हैं, अब दूसरे वीडियो में हम गणित शिक्षण की चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि एक अच्छा पोर्शन है और इसको समझना और करना दोनों में अपने में एक अच्छा टास्क है। तो इस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसमें देखिए क्या क्या हमको टॉपिक कवर करने हैं, हम उन पर डिस्कस करेंगे पहले और फिर टॉपिक बाय टॉपिक सारी चीजें लेंगे और इस पर हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। तो जरा देखिए इसमें कौन कौन से टॉपिक हमको कवर करने हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो है गणित की प्रकृति, नेचर ऑफ मैथ्स। सबको पता है कि मैथ की प्रकृति क्या होती है। देखो मैथ में जो भी चीजें होती हैं सब लॉजिकल होती हैं। क्या होती हैं? लॉजिकल। मेरे प्यारे बच्चों मैथ में जो भी चीजें होती हैं वो होती हैं लॉजिकल होती हैं, यानी तार्किक होती हैं। ठीक है, तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग इसको। अब इसके बाद गणित का पाठ्यक्रम में स्थान, प्लेस ऑफ मैथ्स इन करिकुलम। ध्यान दीजिएगा, पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं हम लोग, पाठ्यक्रम, राइट। तो पाठ्यक्रम देखो एक चीज होती है सिलेबस और दूसरा होता है पाठ्यक्रम, तो दोनों में अंतर है मेरे प्यारे बच्चों। पाठ्यक्रम में वो सारी चीजें आ जाती हैं जो एक शिक्षक यानी एक टीचर टीचिंग के दौरान जो भी इस्तेमाल करता है, ठीक है, यानी एक टीचर टीचिंग के दौरान जो भी चीजें इस्तेमाल करता है वो सब का सब किसमें आ जाएगा? पाठ्यक्रम। यानी कि जो आपका सिलेबस भी है वो किसमें आ जाएगा? पाठ्यक्रम में आ जाएगा। ठीक है, इसकी भी पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग बात करेंगे गणित की भाषा। ठीक है, जो मैथ की लैंग्वेज होती है वो कैसी होती है? वो होती है सुदृढ़ होती है। कैसी होती है? सुदृढ़, यानी सिस्टमेटिकली रिजिड होती है वो, यानी एक सिस्टम से रिजिड होती है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए भी होगा, उसको कोई थ्री ए भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो सिस्टमेटिकली क्या है? रिजिड है। इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे, राइट। आगे हम लोग बात करेंगे सामुदायिक गणित। सामुदायिक गणित का मतलब समझ रहे हैं आप? सामुदायिक गणित का मतलब हम लोग जो चर्चा करेंगे उसका मतलब होगा व्यवहारिक गणित, यानी व्यवहारिक गणित इसको कह सकते हैं। यानी कि हम समाज में रहते हुए जो गणित इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसको क्या नाम दिया जाता है? सामुदायिक गणित। इसकी भी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, राइट। आगे हम लोग देखें इसी में गणित में मूल्यांकन की बात करेंगे। मूल्यांकन यानी इवेल्युएशन इन मैथ्स, राइट। इवेल्युएशन की बात करेंगे, मूल्यांकन। देखो मूल्यांकन समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मूल्यांकन की बात करें हम लोग मूल्यांकन, और एक दूसरा शब्द होता है इसी में आकलन, ठीक है, आकलन होता है। मूल्यांकन यानी इवेल्युएशन, आकलन मतलब असिस्टमेंट, ठीक। तो मूल्यांकन का मतलब होता है कि जैसे भाई कोई भी चीज हम कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो एक फाइनल फाइनल स्टेज में आते हैं ओवरऑल, ठीक है, यानी कि आफ्टर कंप्लीशन द प्रोसेस, यानी प्रक्रिया समाप्त होने पर हम लोग मूल्यांकन करते हैं। प्रक्रिया जब समाप्त हो जाती है, ठीक है, एंड ऑफ द प्रोसेस, हम क्या करते हैं? इवेल्युएशन। और आकलन कब करते हैं? ड्यूरिंग द प्रोसेस, मेरे प्यारे बच्चों, यानी प्रक्रिया के दौरान। प्रक्रिया के दौरान क्या करते हैं हम लोग? आकलन करते हैं। तो गणित में मूल्यांकन का क्या मतलब है, क्या कमियां रही, उस चीज को कैसे क्या दूर करना है, वो सब हम इस मूल्यांकन में समझेंगे उन चीजों को। देखिए अगर भाई कोई चीज पढ़ रहे हैं हम, तो उसमें समस्या आनी बिल्कुल श्योर है। जैसे मान लीजिए हम शिक्षण ही पढ़ रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम जरूर आएगी। प्रॉब्लम कहां कहां आ सकती है? प्रॉब्लम आ सकती है, प्रॉब्लम एक तो आपके एंड से आ सकती है, हो सकता है आपका बेसिक्स ही ना क्लियर हो, राइट। दूसरा किस एंड से आ सकती है? दूसरा जो आपको पढ़ाया जा रहा है उस एंड से, और तीसरा जो आपको पढ़ा रहा है, जो आपको पढ़ा रहा है यानी शिक्षक। जो भी समस्या आएगी इन तीन एंड से ही आ सकती है, ठीक है। तो ये शिक्षण की समस्या है, इनकी पूरी चर्चा करेंगे हम लोग, क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, उनका समाधान हम लोग कैसे करेंगे। देखिए गणित शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण, एरर एनालिसिस इन मैथ टीचिंग, क्या क्या दिक्कत आ सकती है, कौन किस कितने प्रकार की त्रुटियां होती हैं। कभी कभी हम देखते हैं बच्चे लगातार वही गलती करते जाते हैं, कभी कभी अचानक नई गलती आ जाती है निकल के। तो इन सब चीजों की चर्चा करेंगे, और जितनी भी शिक्षण विधियां हैं, आगमन निगमन, समझ रहे हैं आप, आगमन निगमन, संश्लेषण विश्लेषण, इन सबकी और भी विधियां हैं, ठीक है, प्रयोगशाला विधि है, सारी विधियों की हम लोग इसमें बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, इस टॉपिक में कवर करेंगे उसको। इसके लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा, यहां से क्वेश्चन बिल्कुल बनता है। देखिए लास्ट वाला जो टॉपिक है वो निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण है, ठीक है, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। देखिए इसमें दो शब्द आया है, एक तो आया है मेरे प्यारे बच्चों निदान, ठीक है, इसको निदान समझ ले हम लोग, निदान। तो मैं थोड़ा नीचे लिख दूं, निदान, और दूसरा है उपचार, ठीक है, उपचार से बना है। निदान का मतलब ध्यान दीजिएगा, निदान का मतलब होता है समस्या को जानना। क्या होता है?
समस्या को जानना। उपचार का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? उपचार का मतलब होता है समस्या को दूर या कम करना, राइट? समस्या को दूर या कम करना, तो ये मतलब हुआ। कुल मिलाकर कितने टॉपिक कवर करने हैं हमको भाई? 1, 2, 3, 4, 5 और ये इधर 6, 7, 8, 9, ठीक है। कुल मिलाकर जो हमको कवर करने हैं वो कुल मिलाकर भाई इधर 4 टॉपिक इधर हो गया, 1, 2, 3, 4, कुल मिलाकर 8 टॉपिक हमको मैथ के शिक्षण में कवर करने हैं। तो ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग 15 क्वेश्चन पर वर्कआउट करेंगे इसमें। 15 क्वेश्चन मतलब समझ रहे ना आप, यानी 15 मार्क्स के लिए इसको हम लोग तैयार करेंगे बहुत बेहतर ढंग से। इसमें सारे टॉपिक्स की आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगी, आपको उस पर प्रैक्टिस भी कराएंगे हम लोग। बिल्कुल आप तैयार हो जाइए सीटेट महासंग्राम के लिए गुरु मंत्रा के साथ। बिल्कुल कमर कस लीजिए, हम लोग आपको बिल्कुल अच्छे नंबर दिलाकर ही दम लेंगे। धन्यवाद।